हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो इस वीडियो में मैं श्री कृष्णा जी की बाकी का ड्राइंग कंप्लीट करूंगा। रेफरेंस पिक्चर और फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और यहां पे मैं ड्राइंग के लिए सिंपली ड्रोम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, अगर रेफरेंस पिक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन की तरफ जा ही रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। कमेंट करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस तरह के ड्राइंग वीडियो पसंद है। नीचे नेक्स्ट मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ उसका कमेंट भी करना। तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्राइंग में, जैसे कि मैं फेस को ड्रॉ किया था, ठीक उसी तरीके से मैं बॉडी में, मतलब श्री कृष्णा जी की फुल बॉडी पे बेस लेयर पे काम कर लूँगा पहले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। बॉडी में जो डार्क एरियाज है उसको ऑब्जर्व करके पर्शियन ब्लू कलर से डार्क एरियाज पे अच्छी तरीके से शेड कर लूँगा, और हाईलाइट, मिड टोन्स और बाकी की एरियाज को छोड़ कर शेड करूँगा। तो आप लोग देखो। ओके, तो डार्क एरियाज पे शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली मीडियम ब्लू कलर की मदद से जो मिड टोन्स है उसमें शेडिंग कर लूँगा, और हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के शेड करूँगा। और अब एकदम जो शार्प हाईलाइट है यानी कि वाइट एरियाज है उस जगह को छोड़ के बाकी फुल बॉडी में जहाँ पे भी मिड टोन के बाद एकदम हाईलाइटेड एरियाज नहीं है वहाँ पे मैं सिंपली स्काई ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग के लिए। और स्काई ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद मैं बाकी जहाँ पे भी मुझे वाइट एरियाज चाहिए यानी कि हाईलाइट चाहिए वहाँ पे मैं सिंपली वाइट कलर का यूज़ करके शेड कर लूँगा। ओके, तो फुल बॉडी में बेस लेयर पे शेडिंग हो जाने के बाद अब मैं एक कॉटन बर्ड पे सिंपली वाइट कलर को अच्छी तरीके से घिस लूँगा, और उसके बाद उस कॉटन बर्ड की मदद से फुल बॉडी में ब्लेंडिंग कर लूँगा। वाइट कलर से घिसने से यहाँ पे ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथली होगा, तो आप लोग भी वैसे ही करना जैसे कि मैंने बताया है कि वाइट कलर को घिस लेना। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो अब बॉडी में जो हाथ के नीचे की चेस्ट एरिया में जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे मैं सिंपली ब्राउन कलर से अच्छी तरीके से शेड कर लूँगा, और शेडिंग हो जाने के बाद उसको कॉटन बर्ड की मदद से एक बार एकदम लाइट प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगा। ओके, तो ब्राउन कलर को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं उसके ऊपर पर्शियन ब्लू कलर का एक और लेयर कर रहा हूँ, जिससे कि ब्राउन कलर और ब्लू कलर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ब्लू कलर से शेडिंग हो जाने के बाद इसको कॉटन बर्ड की मदद से एक बार अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगा हल्के हाथ से, क्योंकि ये यहाँ पे सेकेंड लेयर है। और अब यहाँ पे मैं जिस तरीके से फेस पे और फुल बॉडी में शेडिंग किया था, ठीक उसी तरीके से मैं यहाँ पे श्री कृष्णा जी की जो हाथ यहाँ पे दिख रही है वहाँ पे भी मैं उस तरीके से शेडिंग कर लूँगा। पहले पर्शियन ब्लू कलर से डार्क एरियाज में, और उसके बाद मिड ब्लू कलर की मदद से मीडियम टोन्स में शेडिंग कर लूँगा, और हाईलाइटेड एरियाज में वाइट कलर से अच्छी तरीके से शेड कर लूँगा। और तीनों कलर से शेडिंग हो जाने के बाद मैं इसको कॉटन बर्ड की मदद से एक बार अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगा। और हाँ, ब्लेंडिंग के पहले मैं कॉटन बर्ड के ऊपर वाइट कलर से ज़रूर घिस लूँगा, जिससे कि ब्लेंडिंग स्मूथली हो जाए। और अब मैं यहाँ पे सिंपली डीप येलो कलर की मदद से श्री कृष्णा जी की बॉडीज़ में और हाथ में जो ज्वेलरीज है उसके ऊपर एक बार शेड कर लूँगा, और शेडिंग हो जाने के बाद ही मैं उसको एक बार ब्लेंड कर लूँगा। और येलो कलर को ब्लेंड कर लेने के बाद उसके ऊपर मैं सिंपली ब्राउन और ब्लैक कलर की मदद से एक और लेयर अप्लाई करूँगा,
तो उस लेयर को भी मैं एक बार हल्के हाथ से ब्लेंड कर लूंगा। और अब मैं यहाँ पे सिंपली येलो कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ ज्वेलरीज पे डिटेलिंग के लिए। आप लोग चाहे तो सीजर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे येलो कलर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं किस तरीके से ज्वेलरीज पे डिटेलिंग कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना, या फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे भी डिटेलिंग कर सकते हो। तो अब मैं सिंपली ब्लैक कलर पेंसिल की मदद से हाथ की ज्वेलरीज में और हाथ में जो डार्क वैल्यूज है हल्का हल्का उसको सिंपली शेड कर लूँगा। तो आप लोग देखो और गाइज अब मैं श्री कृष्णा जी की माला पे सिंपली रैंडमली पिंक वाइट रोज पिंक और वाइट कलर को अच्छी तरीके से यूज़ करके सिंपली फ्लावर को ड्रॉ कर लूँगा। एकदम रैंडमली कर रहा हूँ और उसके बाद जो लीफ एरियाज़ है उसको भी मैं सिंपली डीप ग्रीन नॉर्मल लाइट ग्रीन और सैप ग्रीन की मदद से जो लीफ एरिया है उसको भी ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, सिर्फ आप लोग अच्छी तरीके से देखना कि मैं कहाँ कहाँ कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और यहाँ पे जो लीफ एरियाज़ को मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं सिंपली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की मदद से जो हल्का फुल्का डिटेलिंग है उसको ऐड कर लूँगा। तो आप भी वैसे ही करना। और जो फ्लावर एरियाज है उसके ऊपर मैं सिंपली रेड कलर से डिटेलिंग कर लूँगा। और अब यहाँ पे श्री कृष्णा जी की बॉडी में जो हल्का फुल्का कपड़ा दिख रहा है, यानी कि जो येलो कलर का कपड़ा दिख रहा है यहाँ पे हाथ के पास, उसके ऊपर मैं सिंपली पहले मीडियम येलो कलर से बेस लेयर पे शेड कर लूँगा और उसके बाद ऑरेंज और वर्मिलियन ह्यू कलर की मदद से मैं उसमें डेप्थ ऐड कर लूँगा। और यहाँ पर भी पगड़ी की जो नीचे की कपड़ा यहाँ पर दिख रही है वहाँ पर भी मैं सिंपली रेड कलर को शेड करके उसको ब्लेंड कर लूँगा और उसके बाद ब्लैक कलर पेंसिल की मदद से उसमें शेडोज ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे एकदम आखिर में मैं कैमल की वाइट पोस्टर कलर की मदद से ज्वेलरीज में और बाकी की एरियाज़ में जो डिटेलिंग है श्री कृष्णा जी की ऊपर उसको ड्रॉ कर लूँगा सिंपली पोस्टर कलर की मदद से। गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।